स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीमा और सचिन को कौन नहीं जानता, ये दोनों दो लोगों के दिलों में ऐसे बस गए हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन अब इन्हें सेलिब्रिटी कहने में कोई हर्ज नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीमा हैदर और सचिन पर एक फिल्म बनने जा रही है। जी हाँ, इनकी लव स्टोरी पर फिल्म बनने जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का नाम भी सामने आ गया है और इस फिल्म को अमित जानी ही बनाने वाले हैं, जिन्होंने पहले ही सीमा को ए टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म का ऑफर दिया था। सीमा उस फिल्म में रॉ एजेंट का किरदार निभाती नजर आएंगी। वहीं पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर को आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। हिंदुस्तानी युवक सचिन मीणा के साथ उनकी लव स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि सभी इस कपल को जानने लगे हैं। इसी क्रम में इन दोनों पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। इस फिल्म को जानी फायरबॉक्स प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी ही बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा। मिली जानकारी के मुताबिक अमित जानी अगले हफ्ते ही कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सीमा को एक और फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है, जिसके लिए सीमा अब तैयार भी हो चुकी हैं। राजस्थान उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनने वाली इस फिल्म का नाम है अ टेलर मर्डर स्टोरी। इस फिल्म में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाती नजर आएंगी। वहीं पिछले हफ्ते ही सीमा हैदर से जानी फायरबॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम ने ग्रेटर नोएडा में पहुंचकर मुलाकात भी की थी। टीम ने सीमा का ऑडिशन भी लिया। इस दौरान सीमा ने टीम के सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। सीमा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। वहीं फिल्म में काम करने को लेकर उत्सुक नजर आ रही हैं। सीमा हैदर का कहना है कि वो फिल्म में काम करना चाहती है, उन्हें केवल यूपी एटीएस की ओर से क्लीन चिट का इंतजार है। लेकिन दूसरी तरफ अमित जानी को धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। जी हाँ, अमित जानी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम और मोनू मानेसर ने उन्हें धमकी दी है। अभिषेक ने वीडियो के माध्यम से उन्हें धमकी दी है कि वो अपने गुंडों के साथ मिलकर फिल्म के सेट पर हमला कर देंगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिल्म निर्देशक अमित जानी ने ट्वीट के जरिए यूपी के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। वहीं अमित ने ट्वीट किया है कि मैं जानी फायरबॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हाउस लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक हूं। मेरा प्रोडक्शन हाउस उदयपुर में पिछले साल हुए दर्जी कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर एक फीचर फिल्म बना रहा है, जिसकी कास्टिंग चल रही है। सितंबर में इसका शूट होना तय हुआ है। मैंने आज मीडिया ग्रुप में वायरल एक वीडियो में देखा कि मेरठ निवासी अभिषेक सोम का है। वीडियो में अभिषेक सोम ने मुझे धमकी दी है। ट्वीट में अमित ने आगे लिखा कि अभिषेक ने मुझे धमकी देते हुए कहा है कि फिल्म के सेट पर हंगामा और तोड़फोड़ करेंगे, जैसा पद्मावत फिल्म के शूट के समय हुआ था। अमित ने पुलिस से गुजारिश की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अमित जानी ने यह भी कहा है कि उनको एक वीडियो कॉल भी आया है, लेकिन उन्होंने वो वीडियो कॉल उठाई नहीं, जिसके बाद उन्हें वॉइस मैसेज आया और उसमें मोनू मानेसर के नाम से उन्हें धमकी मिली है। कहा गया है कि अगर सीमा हैदर को रोल दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि अमित जानी को पुलिस से सुरक्षा मिलती है या फिर नहीं, वो सचिन और सीमा को लेकर फिल्म बना पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।